राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राजस्थान दौरा, जोधपुर एम्स दीक्षांत समारोह में की शिरकत, कहा चिकित्सकों का समाज में एक अलग स्थान। हैदराबाद एनकाउंटर पर चीफ जस्टिस अरविंद बोबडे का बयान, बदले की भावना से किया गया न्याय, इंसाफ नहीं होता। सीजीआई ने कहा न्याय कभी भी आनन फानन में किया जाना नहीं चाहिए। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को सचिन पायलट ने दी सांत्वना, ट्वीट कर परिजनों को बधाया, डांडस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जताई उम्मीद। जेडीए की बकाया लीज राशि जमा नहीं कराने वालों पर होगी कार्रवाई, 15 दिन में लीज राशि जमा नहीं कराने पर पीडीआर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। झुंझुनू के शहीद राजेंद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, 4 माह के बेटे ने दी मुखाग्नि, शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर से दी सलामी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मारू राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलसरे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि न्याय तुरंत हो सकता है, न्याय कभी भी बदले की भावना से नहीं हो सकता, अगर बदले को न्याय समझा जाता है तो न्याय अपने चरित्र को खो देता है। देश में बढ़ते महिला अपराध और पुलिस की कार्रवाई पर चीफ जस्टिस ने यह बयान दिया है, मुझे नहीं लगता कि न्याय तुरंत हो सकता है, न्याय कभी भी बदले की भावना से नहीं हो सकता, अगर बदले को न्याय समझा जाता तो न्याय अपना चरित्र खो देता है। देश में बढ़ते महिला अपराध और पुलिस की कार्रवाई पर चीफ जस्टिस ने यह बयान दिया है, यानी कि हैदराबाद के जो दोषी थे उन पर जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया है उस पर यहां पर जो है वो चीफ जस्टिस ने यह बयान दिया है कि बदले की भावना से कोई भी जो है वो न्याय नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने यह बयान दिया है कि मुझे नहीं लगता कि न्याय तुरंत हो सकता है, न्याय कभी भी बदले की भावना से नहीं हो सकता, अगर बदले को न्याय समझा जाता तो न्याय अपना चरित्र खो देता है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। विधायक कालीचरण सराफ ने दिया धरना, वार्ड 57 के भगवती नगर में दिया गया धरना, मीट की दुकान खोलने का किया विरोध, स्थानीय नागरिकों के साथ धरने पर बैठी सराफ, मीट की दुकान पर शराबियों का भी रहता है जमावड़ा। तो विधायक कालीचरण सराफ ने धरना दिया है, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, वार्ड 57 के भगवती नगर में धरना दिया गया है, मीट की दुकान खोलने का उन्होंने विरोध किया है और स्थानीय नागरिकों के साथ वो धरने पर बैठे हुए हैं, मीट की दुकान पर शराबियों का भी जमावड़ा रहता है ऐसा उनका कहना है। तो विधायक कालीचरण सराफ ने यहां पर धरना दिया है, वार्ड 57 के भगवती नगर में धरना दिया गया है, कालीचरण सराफ ने यह धरना दिया है, मीट की दुकान खोलने का विरोध किया है उन्होंने, साथ में स्थानीय नागरिकों के साथ वो धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मीट की दुकान पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। और एक और बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर के जुरहरा से इस वक्त की बड़ी खबर, झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की कार्रवाई, फायरिंग में एक व्यक्ति को लगी गोली, घायल को परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल, गंभीर हालत में भरतपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव पाई का ये पूरा मामला है। तो भरतपुर के जुरहरा से ये इस वक्त की बड़ी खबर, झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की फायरिंग में एक व्यक्ति को लगी गोली, घायल को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया है जहां पर उसका इलाज जारी है, गंभीर हालत में भरतपुर जिला अस्पताल में फिलहाल रेफर कर दिया गया है। जुरहरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर
फायरिंग कर दी है जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। गंभीर हालत में भरतपुर जिला अस्पताल में घायल को रेफर कर दिया गया। भरतपुर से ये बड़ी खबर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान की। राजस्थान में दौसा में पुलिस ने कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक नकबचंद गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से करीब 3 लाख रुपए कीमत का चोरी का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मामला मेहदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र का है, जहां पर अगस्त महीने में NH 21 पर ब्रह्मवाद मोड़ से रात के समय एक DJ साउंड की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर 4 लाख रुपए कीमत का सामान चोरी कर लिया गया, जिसकी पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वही वारदात को अंजाम देने वालों की पुलिस तलाश कर रही है। इस दौरान बदमाश अलवर जिले क्षेत्र में पकड़े गए हैं, जिन्हें मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने अलवर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। राजस्थान के चिड़ावा के राजकीय अस्पताल में डॉक्टर और चिकित्सकीय स्टाफ कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल CHC प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने कांग्रेस नेता मेहर कटारिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। वही कार्रवाई की मांग को लेकर सभी चिकित्सक और चिकित्सकीय स्टाफ कार्य बहिष्कार कर अस्पताल के मुख्य द्वार के पास धरने पर बैठ गए और कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वह इस मामले पर कांग्रेस नेता मेहर कटारिया ने CHC प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कटारिया ने कहा कि उन्होंने केवल एक मरीज की पीड़ा को लेकर डॉक्टर को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद चिकित्सकीय स्टाफ को फोन किया गया। यहाँ पे CHC चिड़ावा में मैं डॉक्टर जितेंद्र CHC इंचार्ज हूँ, और मेरे को यहाँ पे जो है कि CHC के आसपास कई लोग रहते हैं, मतलब चिड़ावा में वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बता करके और नेताजियों से उनका नाम लेकर के, और मतलब मेरे को डराया धमकाया जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो उस संबंध में हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है। राजस्थान के दौसा में विधायक मुरारीलाल मीना ने विधायक कोर्ट से 18 लाख रुपए देकर एक एम्बुलेंस जन सेवा के लिए रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय को सौंपी है। इस दौरान विधायक के साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसको लेकर विधायक मुरारीलाल ने कहा कि दौसा विधानसभा की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। जिला चिकित्सालय को एम्बुलेंस मिलने से जयपुर रेफर होने वाले मरीजों को खास लाभ होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सालय के लिए जरूरी अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रहेंगे। भौगोलिक दृष्टि से ऐसे स्थान पर स्थित है जो राजधानी से मात्र 50-55 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ पे दो नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं। यहाँ पे कई दुर्घटनाएं होती रहती है, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, और कई ऐसे सीरियस केस होते हैं जिनका जयपुर अतिशीघ्र पहुँचना जरूरी होता है। इसलिए हमने विधायक कोटे से यहाँ पे एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, ताकि हमारी क्षेत्रीय जनता को जो मरीज होते हैं, जो इमरजेंसी केस होते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध हो सके। आने वाले टाइम में मेडिकल कॉलेज हो रहा है, तो वैसे भी धीरे धीरे हमको संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि जमा नहीं कराने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। बकायादारों के 15 दिन में लीज राशि जमा नहीं कराने पर PDR एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बैंक खाते सहित अन्य संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर विकास आयुक्त रविकांत ने शनिवार को JDA के मंथन सभागार में सभी जोन उपायुक्तों को बकाया लीज राशि वसूली की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लीज राशि पर सभी जोन उपायुक्तों को विशेष फोकस रखना होगा। राजस्थान के रानीवाड़ा पंचायत समिति में ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए पंचायत समिति की साधारण बैठक बुलाई गई। वहीं इस बैठक में प्रधान और विधायक नहीं आने के कारण बैठक मजाक बनकर रह गई। आपको बता दें कि पहले 1 बजे तक कोरम पूरा नहीं होने का हवाला देकर प्रधान रमेला मेघवाल ने बैठक को स्थगित कर दिया, लेकिन क्षेत्र के विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने का हवाला देकर विधायक नारायण सिंह देवल ने 2 बजे पंचायत समिति की बैठक हाल में बैठक ली।
जिसके कारण पंचायत समिति परिसर में होने के बावजूद भी ग्राम विकास अधिकारी सहित कई कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हुए। अच्छा, वो पता नहीं है मेरे को, मैं तो मेरे चैम्बर में थी, पता नहीं कौन सी मीटिंग ले रहे थी। महत्वपूर्ण मीटिंग थी, अगर ये मीटिंग नहीं करते तो हमारे यहाँ के सारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज थर्ड के एक भी प्रपोजल नहीं जाता, इसलिए ये मीटिंग रखी गई। प्रधान जी क्यों नहीं आए, प्रधान जी की उसकी अध्यक्षता होती है, उनके द्वारा ही मीटिंग कॉल की जाती है, उनका वो जाना है। खबर राजस्थान के सीकर से है, जहां पर अजीतगढ़ के करीरी गांव में गड्ढे में महिला के शव मिले का मामला गर्मा गया है। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव दफनाने का आरोप लगाया है। थाने के बाहर धरना प्रदर्शन की सूचना पर शाहपुरा डीएसपी राजेश मलिक समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतका के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। पाँच दिन पहले से सब एक करेरी की सारी दबा हुआ था, उसके बाद कल कोई पता लगा, लेकिन पुलिस वाले अभी भी कोई जांच नहीं कर रहे, और यहाँ हजारों की तादाद लोग बैठे हुए हैं। कल से पागलों की तरह, जो है इसका भाई भी ये, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही रहा तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जो भी प्रशासन का नुकसान होगा प्रशासन, हमें तो न्याय चाहिए, दोषी को सजा चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही हमारी मांग। ये मेरी सिस्टर थी, दो सिस्टर थी जो करेरी के अंदर बह गई थी। जो छोटी वाली सिस्टर थी, उस छोटी वाली सिस्टर का पति हस्बैंड सुनील कुमार मीणा उसको लगातार बार बार मारपीट लात गुस्से इस तरीके से प्रताड़ित करता था, दहेज की मांग करता था। फिर हमने उसको समझाने की प्रयास किया, सामाजिक स्तर पर भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर हमने FIR क्लोज करवा दी कालाडेरा थाने के अंदर। फिर FIR क्लोज कराने के बाद वहाँ के लोग हमारी बड़ी बहन होने के कारण सामाजिक दबाव और मानसिक दबाव डाला गया हमारे पर। तो फिर हमने समझौता कर लिया, कोर्ट के द्वारा समझौता कर दिया गया, फिर हम वापस भेज दिए उसको और वो दिल्ली ससुराल वापस लेके चले गए। लेकिन वो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्व रस्ते हुए, हमें नहीं पता चला कि वो ले जाकर के इस तरह से हत्या कर देंगे। राजस्थान के अजमेर में राह चलती महिला के साथ पर्स छीन कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने कहा कि परिवादी किरण श्याम के समय स्कूल से लौटते वक्त अज्ञात युवकों द्वारा स्कूटी पर आकर उनके हाथ से पर्स छीन कर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुटी है और आज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से लूटा हुआ सामान और लूट की वारदात को अंजाम देने में उपयोग करने वाली स्कूटी को भी बरामद किया गया है। तीनों आरोपियों से थाना पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। हरिभा उपाध्याय नगर में 30 तारीख को एक किरण प्रजापति जो स्कूल से आ रही थी, उस पे तीन युवक जो स्कूटी पे सवार थे, उन्होंने झपट्टा मार के उसका बैग छीन लिया था, जिससे वो स्कूटी सवार औरत गिर गई थी नीचे और उसके काफ़ी चोटें भी आई थी। इस चीज़ पे हमारे एक टीम गठित करके, श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार टीम गठित करके, आसपास के CCTV फुटेज और सूचना का संकलन करके, हमने आइडेंटिफाई किए और उनको कल रात को उनको गिरफ्तार किया। चित्रकारी के विविध आयाम विचारों की उड़ान है। एक छोटा सा परिंदा जो मन के किसी कोने में दुबका सा बैठा हो और जब वो पंख फड़फड़ाकर उड़ान भरने लगता है तो आसमां की ऊंचाई भी छोटी लगने लगती है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की चतुर्दिक आर्ट गैलरी में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों की चित्र प्रदर्शनी परिंदे में भी ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। कुछ चित्रकारों ने परिंदे को अपने विचारों का माध्यम बनाया है तो कुछ ने प्रकृति मानवीय जीवन की विसंगतियां, गम, खुशियां और उत्साह उमंग को कैनवास पर उतारा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो इन कलाकार के अंदर से ही आनी चाहिए, वो उसके नेचुरल बीइंग से आनी चाहिए, बजाय दूसरों की इम्पोज करी हुई या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीज़ आपको कभी अपनी कलाकारी में लानी नहीं चाहिए। जैसे इस बार की मेरी जो थीम है वो सीगल्स के ऊपर है और मैंने इसमें
चिड़ियों की यात्रा के बारे में बताया है कि उनकी लाइफ में, उनको अपनी ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियों से, या वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके और फिर वो अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ती हैं, और उस आज़ादी को मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी फील करती हूँ। जैसे मैंने ये काम करना शुरू किया और यही काम मैं अपने पेंटिंग के द्वारा सारे लोगों को दिखाना चाहती हूँ। करौली शहर के ट्रक यूनियन इलाके के पास बदमाशों ने फायरिंग कर ढाबे के वेटर की हत्या करने की घटना के विरोध में मनरायल कस्बा पूरी तरह बंद रहा। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। मुख्यालय पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भाई सौरभ चतुर्वेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में आज व्यापारी वर्ग ने संपूर्ण मंडराल को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बंद रखा है और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और कलेक्टर के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। अगर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। जयपुर के अमरसर थाना इलाके के करीरी गांव में एक महिला का शव मिट्टी में दबा हुआ मिला है, जिसकी सूचना मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को मिट्टी से निकालकर अस्पताल में भिजवाया गया, तो वहीं मृतका की शिनाख्त करीरी निवासी सावित्री देवी मीणा के रूप में हुई है, जिसे लेकर चौमू के कालाडेरा थाना इलाके के बाहर मृतका के पीहर पक्ष के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने को लेकर कालाडेरा थाना प्रभारी भजनाराम को ज्ञापन सौंपा गया। हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपियों का एनकाउंटर के बाद देशभर में अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, जहां एमबीसी पीजी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने हैदराबाद पुलिस के इस कदम की तारीफ करते हुए कहा कि आरोपियों का एनकाउंटर होने से पीड़िता को सच्चा न्याय मिला है। छात्राओं को कहना है कि निर्भया के आरोपी लंबी न्यायिक प्रक्रिया के चलते अभी भी फांसी के फंदे से दूर है, ऐसे में हैदराबाद के निर्भया के आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। गलत करने के बावजूद वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस वालों ने वाकई में बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से भारत में लड़कियों के लिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो शिक्षा में हर चीज़ में पीछे छूटे, क्योंकि पेरेंट्स भी सिक्योर नहीं होते, ऐसी सिचुएशन आ रही है। खुद एक डॉक्टर थी तो उसके पेरेंट्स ने उसको भेजा था, तो आगे ज़रूर पेरेंट्स सोचेंगे कि हम किस आधार पर अपनी बेटियों को भेजें, तो बहुत ज़रूरी था। तो जो लोग भी ऐसी सोच सकते हैं, रेपिस्ट जैसे लोग होते, तो वो एक बार देख लें और सतर्क हो जाएं कि ये भी हो सकता है। राजधानी जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 11 चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वही डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राहुल जैन ने कहा कि दोनों वाहन चोर मोटरसाइकिल को चुराकर सस्ते दामों में बेचने का काम करते हैं। इसी ग्रोह ने जयपुर के जवाहरनगर, मोती डूंगरी, गांधीनगर, करधनी सहित कई इलाकों से दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया था। फिलहाल कई बड़े खुलासे होने का अंदेशा है। जयपुर में विवेकानंद केंद्र कन्या कुमारी के स्थानीय शाखा की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र भी शिरकत करेंगे। एसएमएस अस्पताल के सभागार में 15 दिसंबर को होने वाले इस सेमिनार में भारी संख्या में प्रबुद्ध जन और युवा उपस्थित रहेंगे। कृष्ण एक रणनीतिज्ञ विषय पर आयोजित इस सेमिनार में पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आध्यात्मिक चिंतक निवेदिता भिड़े भी अपना उद्बोधन देंगी। निवेदिता भिड़े विदेशों में होने वाली संगोष्ठियों में भारत की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होती रही हैं। राजस्थान जलदाय कर्मचारी संघ ने बाड़मेर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी से मुलाकात कर बालोतरा के जलदाय कर्मचारी संघ के बाड़मेर अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक जलदाय विभाग बालोतरा के कनिष्ठ अभियंता द्वारा जलदाय कर्मचारी बाबूलाल के साथ की गई मारपीट मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है।
ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बालोतरा के कनिष्ठ अभियंता द्वारा श्रमिकों को बार बार परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। इससे राजस्थान जलदाय कर्मचारी संघ और श्रमिक संगठनों में रोष व्याप्त है। वार्ता चल रही थी तो जय ने बीच में आके मतलब कह रहा है न तो मैं काम दूंगा न किसी को काम देने दूंगा, ऐसे करके मतलब इन साहब ने कह दिया भाई, वो भी दबाव में थे कि भाई कि मैं ऐसे आदेश दूसरे नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई क्यों नहीं कर सकता, आप कर्मचारी से काम तो लेना पड़ेगा। ऐसे करके वो जय ने एकदम उठ गया और मेरे साथ गाली गलौज करके मारपीट शुरू कर दी। ये मामला तो फिर इसका मामला भी आपने कहीं दर्ज करवाया? पुलिस थाना में मतलब अप्लीकेशन दी थी अब एफ आई आर के लिए, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एडिशनल एस पी साहब भरतपुर जिले के नगला पीतू में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में इन दिनों छात्रों को पानी के लिए काफी परेशानी हो रही है। कई छात्र तो घर से पानी की बोतल लेकर जाते हैं और कुछ पढ़ाई के दौरान पानी पीने के लिए घर चले जाते हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है और रास्ते में दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक महेशचंद शर्मा ने कहा कि पानी की समस्या की शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई है लेकिन किसी प्रकार का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। ऐसे में सरकार की पढ़ाई की गुणवत्ता के वायदे सिर्फ कागजों में सिमटे हुए नजर आते हैं। वही ग्रामीणों ने यह भी विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि जल्द ही विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और स्कूल की तालाबंदी करेंगे। विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगला पीटू जो भी संचालित है और यहाँ पर पानी की विकट समस्या है। कई सालों से विभागीय हमने कार्रवाई की है परंतु कोई भी आश्वासन के अलावा कोई भी उन्होंने कदम नहीं उठाया है और हमें प्राइवेट तौर पर ही अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ी है। बच्चे बोतलों में पानी लेकर के आते हैं, रोड क्रॉस करना पड़ता है, कभी हमारा पढ़ाई पीरियड में भी जाना। पाली के सुमेरपुर में चिकित्सा विभाग की अनदेखी के कारण झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार चिकित्सा विभाग और उपखंड प्रशासन को अवगत करवाया है लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वही मामले को लेकर ग्रामीणों ने चिकित्सा विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अभी तक झोला छाप डॉक्टरों के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। चुरू के सुजानगढ़ में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है जहां पीड़िता ने तीन युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। तो वही मामले को लेकर पीड़िता को लगातार आरोपियों की ओर से धमकियां दी जा रही है, जिसे लेकर पीड़िता अपनी माँ के साथ डीएसपी कार्यालय पहुंची और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। महिला ने एक मुकदमा दर्ज कराया अपने साथ बलात्कार होने का, जिसमें आरोपी गण कासम खलील व समीर के खिलाफ दर्ज कराया उन्होंने और महिला ने दिनांक 3/12 को दर्ज करवाया है जिसमें हम जांच कर रहे हैं इसकी। इसमें पीड़िता के बयान हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने पंचायत पुनर्गठन के मामले में देरी होने पर सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। मेहरा ने पंचायती राज के अधिकारियों से दो टूक कहा कि सरकार को फरवरी 2019 से पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह रखा था, इसके बावजूद सरकार बार बार पंचायतों का पुनर्गठन करके देरी कर रही है जिससे पंचायती राज के मतदाता सूची के कार्य में देरी हो रही है और ऐसे में वक्त पर चुनाव कराना मुश्किल है। उन्होंने तमाम पुनर्गठन करके अंतिम रूप से नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया है। और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।